कोरोना वायरस की चुड़ैल, ये कहानी चीन के एक शहर में रहने वाली 20 साल की लड़की सूजी की है, जो परिवार से दूर स्वतंत्रता से जीवन बिता रही थी। सूजी को मांसाहारी और सी फूड खाना बहुत पसंद था। वह हर रोज मांसाहारी खाना खाया करती थी। इन दिनों चीन में एक खतरनाक वायरस कोरोना वायरस फैल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को जानवरों और मांसाहारी खाने से दूर रहने की नसीहत दी जा रही थी। लेकिन सूजी इन सभी चीजों से अनजान अपनी ही दुनिया में खोई हुई बाजार में मांस खरीदने पहुंच जाती है। आज ये स्नैक डिश खाऊंगी, मजा आ जाएगा। सूजी उस डिश को घर ले जाती है और आराम से खाना खाकर सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। अब सूजी की तबीयत कुछ खराब रहने लगती है। खांसी, जुकाम और बुखार उसे बुरी तरह से जकड़ लेते हैं, जिससे बचने के लिए सूजी सभी तरह की दवाइयां खाकर देख लेती है, लेकिन कोई भी दवाई उस पर असर नहीं करती। कुछ दिन तक तबीयत में कोई सुधार ना आने पर सूजी डॉक्टर के पास जाती है। बहुत दिनों से खांसी, जुकाम और बुखार है, सभी दवाइयां और नुस्खे आजमा लिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर सूजी को चेक करते हैं, उसके बाद बोलते हैं, क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में मांसाहारी खाना खाया था? जी हाँ, मैंने थोड़े दिन पहले ही सांप की डिश खाई थी। सूजी की बात सुनकर डॉक्टर हैरानी से उससे पूछता है, क्या तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में नहीं पता जो सांप की डिश खा ली? कोरोना वायरस, ये क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा वायरस जानवरों में होता है और उन्हीं जानवरों को खाने से इंसानों में भी फैल जाता है, और इस समय ये कोरोना वायरस सांप से फैल रहा है। इसमें लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जो सब तुम्हारे अंदर है। इससे बचने और दूर रहने के लिए लोगों को जानवरों और मांसाहारी खाने से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, और तुमने सांप ही खा लिया। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, अब क्या होगा? मैं बच तो जाऊंगी? तुम्हारा शरीर कोरोना वायरस से घिर चुका है और अभी तक इसका कोई इलाज भी नहीं मिला है। इसके बारे में रिसर्च चल रही है। इससे बचने का एक सीधा तरीका बस इससे दूर रहना ही है। डॉक्टर की बात सुनकर सूजी हैरान रह जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे अस्पताल में एडमिट कर लेते हैं, लेकिन कोई इलाज न होने की वजह से कुछ ही दिनों में सूजी की मौत हो जाती है। मृत्यु के बाद वह एक चुड़ैल बन जाती है। मैं मर गई, मुझे किसी ने वायरस के बारे में नहीं बताया, कोई मेरा इलाज नहीं कर पाया और मैं मर गई। उस दुकानदार ने भी मुझे आगाह करने की जगह सांप बेच दिया। अब इसका हर जाना भुगतना पड़ेगा, सब मरेंगे, मैं बदला लूंगी। ये सोचकर सूजी चुड़ैल सबसे पहले उस दुकानदार के पास जाती है और वहाँ जाकर खांसने लगती है, जिससे उसके अंदर का वायरस दुकानदार के अंदर चला जाता है और साथ ही उसकी दुकान में रखा सारा सामान भी संक्रमित हो जाता है। अब आएगा मजा, इसकी वजह से मेरी मौत हुई। अब ये और इसके साथ यहाँ से खरीद कर खाने वाले सभी लोग मरेंगे। कुछ दिन बीतते हैं। सूजी के कोरोना वायरस की वजह से दुकानदार बीमार पड़ जाता है और उसी के साथ उसकी दुकान से खरीद कर मांस खाने वाले लोग भी बीमार पड़ने लगते हैं। फिर उन लोगों के संपर्क में आए दूसरे लोग, और इसी तरह एक से दूसरा करते हुए धीरे धीरे कोरोना वायरस पूरे चीन में फैल जाता है और कोई इलाज न होने की वजह से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। लोग अपने आप को बचाने के लिए एक देश से दूसरे देश जाने लगते हैं, जिससे ये वायरस चीन से बाहर निकलकर दूसरे देशों में भी फैलने लगता है। वाह, मैंने तो बस एक जगह ही संक्रमण फैलाया था, ये तो पूरी दुनिया में फैल गया। वैसे इससे लोगों को मरने में कितना मजा आ रहा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही और लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अब
अपने अंदर के कोरोना वायरस से दूसरे लोगों को मारने का प्लान बनाकर सूजी चीन से बाहर निकलकर इंडिया के एक शहर में आ जाती है, जिससे वो यहाँ भी कोरोना वायरस का आतंक फैला सके। यहाँ सूजी चुड़ैल मानव नाम के एक लड़के के घर में रहने लगती है। इसे पहले डराकर परेशान करूं या सीधा वायरस से ही मार दूं? चलो दोनों का मजा लेती हूँ। इसके बाद जब मानव अपनी नाइट वॉक के बाद थका हुआ घर आता है तो सूजी उसके सामने जाकर खांस देती है, जिससे वायरस वाले कीटाणु तेज सांस लेते हुए मानव के शरीर में चले जाते हैं। खांसने की आवाज मानव को सुनाई देती है। क्या यहाँ अभी कोई खांसा? लेकिन यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है, जरूर मुझे वहम हुआ होगा। मानव नहाने चला जाता है, जहाँ कभी उसका सामान अपनी जगह से गायब हो जाता है तो कभी पानी अपने आप बंद हो जाता है। ये सब मानव को बहुत अजीब लगता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मेरा वहम ही है या कुछ? इसी बात को सोचते हुए मानव नहाकर बाहर निकलता है और सो जाता है, जिसके बाद चुड़ैल अब दिन रात मानव के पीछे पीछे रहने लगती है और किसी न किसी तरह उसे डराने लगती है। कभी अकेले में उसके सामने हंसती है, उसके घर का सामान आसमान में उड़ाती है। ये सब करने के साथ साथ सूजी चुड़ैल मानव के साथ घूमते हुए जहाँ भी वो जाता वहीं कोरोना वायरस भी फैलाती रहती है। जल्द ही मानव की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मानव डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन किसी भी डॉक्टर को बीमारी के बारे में कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में एक बड़े डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? मानव, तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हैं। ये वायरस चीन से होते हुए पूरी दुनिया में फैल रहा है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। क्या? नहीं, मुझे मरना नहीं है। आप अब जल्दी मेरा इलाज कीजिए। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिल पाया है। इसके लिए बहुत डॉक्टर और शोधकर्ता रिसर्च कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही इसका कोई इलाज जरूर मिल जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर मानव वहाँ से उठकर चला जाता है। मानव को इस तरह अकेले और सुनसान जगह पर बैठा देखकर चुड़ैल उसे परेशान करना शुरू कर देती है। मरेगा, तू भी मरेगा। कौन है यहाँ? मानव के यह बोलने पर सूजी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर मानव बहुत डर जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो ऐसे ही मर गया। अब किसी दूसरे इंसान को मारने के लिए दोबारा उसे संक्रमित करने की मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम एक दो लोगों को तो अपने साथ लेकर मरता। इसी गुस्से में सूजी चुड़ैल पूरे अस्पताल को परेशान करने लगती है। पहले वो अस्पताल के सारे दरवाजे बंद कर देती है और सभी लोगों को अंदर कैद करके उन्हें डराने लगती है। इसी तरह सबको डराते हुए सूजी चुड़ैल खांसते और छींकते हुए पूरे अस्पताल में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला देती है। आप आएगा मजा, सब मरेंगे, मेरी आंखों के सामने मरेंगे। सूजी चुड़ैल किसी को भी अस्पताल से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में एक ही जगह कैद रहकर संक्रमण से घिरे लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। लोगों को मरता हुआ देखकर सूजी चुड़ैल बहुत खुश होती है और मरने के बाद भूत और चुड़ैल बने दूसरे लोगों को और ज्यादा कोरोना वायरस का आतंक फैलाने के लिए अस्पताल से बाहर भेजने की योजना बनाती है। तुम इस अस्पताल से बाहर जाओ और लोगों को इस वायरस से संक्रमित करो, जिससे जल्द ही दुनिया के सब लोग भूत चुड़ैल बन जाएं और ये दुनिया भूतिया दुनिया बन जाए, जिस पर सिर्फ मैं राज करूंगी। भूत और चुड़ैल सूजी चुड़ैल की बात मानकर अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं और सारे शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला देते हैं। एक शहर से दूसरा शहर और दूसरे से तीसरा देखते ही देखते कोरोना वायरस देश भर में फैलने लगता है, जिससे बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, जिसे देख सभी डॉक्टर, शहर की गवर्नमेंट और वहाँ रहने वाले लोग सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसका पूर्ण इलाज अभी तक नहीं मिला है। इस वायरस में खांसी, जुखाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अपने आप को और अपने करीबी लोगों को इस वायरस से बचाए रखने के लिए ये कुछ बातें ध्यान में जरूर रखें। कहीं बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से करीब 20 सेकंड तक धोएं। जिन लोगों को कोरोना वायरस हो या जो बीमार हो, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को किसी रुमाल या टिश्यू से ढक कर रखें। कहीं बाहर से आने के बाद हाथ धोए बिना उन्हें अपने आंख, नाक या मुंह पर ना लगाएं। इससे पहले या तो हाथ धो लें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।